हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग 3 से 4 मैच के ऊपर बातचीत की है। अगर नहीं चेक की हो तो चेक कर लेना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो में भी ऑलमोस्ट 4 मैच के ऊपर बातचीत करेंगे। पहले बटोबियस 0-0 वर्सेस जो बार्सा का मैच हुआ उसके ऊपर बातचीत करेंगे, फिर प्रीमियर लीग में शिफ्ट करेंगे। प्रीमियर लीग में हम लोग बात करेंगे टॉटनम का, एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ है। एंड उसके बाद सिटी की बात करेंगे और चेल्सी वर्सेस एवर्टन में तो कुछ बोलने लायक है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत 1 से 2 मिनट बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस जिरोना का जो मैच हुआ, बार्सिलोना के होम पे मैच था। बातचीत शुरू करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मैं लिख कर रखा हूं, इतने सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन मैं पहले बोलना एक चीज चाहता हूं कि कल का मैंने पूरा मैच देखा और मैनचेस्टर सिटी, ब्राइटन, पिछले साल का आर्सेनल, उसके बाद अगर विद द बॉल इतना कंफर्टेबल मैंने टीम को ही देखा है, दैट इज जिरोना। भाई वो जो प्राइम बार्सा था ना, कि बॉल लेने के बाद उनको पता है क्या करने वाले, टक 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 पास हो रहा है, मिडफील्ड में ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट, हर एक तरह का ट्राइंगल बन रहा है मिडफील्ड में, इतना कंट्रोल, लोगों का रन पिक कर रहे बहुत आराम से, इतना विद द बॉल, इतना कंफर्टेबल, हर एक प्लेयर के पास फर्स्ट टच है, हर एक प्लेयर के पास जो बॉल होल्ड करने का जो पोटेंशियल होता है या फिर स्किल होता है, हर एक प्लेयर के पास वो चीज़ है। और हर एक प्लेयर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल विद द बॉल, इतना मतलब विद द बॉल एक टीम को मैं इतना खतरनाक और इतना थ्रेटफुल मैंने देखा नहीं। जब भी जिरोना के पास बॉल आता था मुझे लगता था अभी थ्रेट प्रोड्यूस होगा, अभी भी कोई बंदा रन लेगा, ये बंदा वहां से क्रॉस देगा या फिर 2-3 प्लेयर को काट के बंदा एक पास निकाल देगा और फाइनल पास क्रिएट हो जाएगा या गोल थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। अब ये अगर प्राइम बर्सा करता है ठीक है, अगर मैन सिटी करता है तो ठीक है, पिछले वाले ब्राइटन ये काम कर रहा था, आर्सेनल ये काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन जिरोना का नाम मुझे मतलब एक साल पहले मेरे से पूछो जिरोना कौन है मैं बता ही नहीं पाऊंगा। रिलीगेशन से आ रहा है ये टीम, राइट, मतलब 2-3 साल पहले लालिका खेलता भी नहीं था। अब ये इतना बड़ा कुछ कर रहा है, मतलब देखो मैच जीत रहा है, गोल स्कोर कर रहा है, टॉप पोजीशन में, ठीक है। तो मतलब फुटबॉल में 2 चीज़ होता है, एक है आप रिजल्ट निकल पाते हो और दूसरा चीज़ आप कैसे रिजल्ट निकल पा रहे हो। मैं जिरोना को उतना फॉलो नहीं करता फ्रेंकली, मैं ला लीगा उतना देखता भी नहीं हूँ, मतलब मेन मैचेस बटो पे देखता हूँ, हर एक मैचेस में नहीं देखता, जो प्रीमियर लीग में मैं सारे मैचेस देखता हूँ, राइट। तो चीज़ क्या है कि मैच जीत रहा था, मुझे लगता था ठीक है जिरोना तो ठीक है हो सकता है, मतलब हर एक चीज़ में एक वंडर टीम आता है, एक अच्छा टीम आता है जो अच्छा फुटबॉल खेलती है या फिर रिजल्ट उनके हक में जाता है। तो मुझे लगा था जिरोना ऐसा ही टीम है, लेकिन कल का मैंने जो मैच देखा, बाप रे बाप, जिरोना सिर्फ रिजल्ट गैदर नहीं कर रहा है, रिजल्ट वो लोग मतलब जो स्टाइल ऑफ प्ले फुटबॉल खेल रहा है, एक बड़े बड़े टीम नहीं खेल पाते, बड़े बड़े टीम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके बहुत बड़े बड़े प्लेयर साइन करके भी नहीं खेल पाते। तो बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बार्सा के ऊपर बातचीत करते हैं। एंड बार्सा का जो मैच था कल, एक ही चीज़ बोलना है कि जाओ फिलिक्स बोलो, लेवांडोव्स्की बोलो और जितने सारे बार्सा के फॉरवर्ड, रफीनिया बोलो, तीनों का जो कहने की कल मैंने प्रेस देखा, देखो ये तीनों ऐसे कैटेगरी के प्लेयर है, अगर ये 3 बंदे गोल करेंगे या फिर असिस्ट देंगे या फिर वो रन निकाल के गोल स्कोर करेंगे तो आपके लिए तो ये एसेट है। लेकिन एक ऐसा टीम के खिलाफ जो विद द बॉल बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि कंफर्टेबल है, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको प्रेस करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा, या फिर बॉल अपने पास रखो 70-80% पोजीशन रखो और उसको उनको कंट्रोल करने दो ही मत, राइट। लेकिन वो तो नहीं हुआ, 52-55% का पोजीशन बार्सा के पास था, अब क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों का जो प्रेस था कल इतना गंदा था भाई, लेवांडोव्स्की का जो वो गोल अगर निकाल दो कॉर्नर से जो फर्स्ट गोल आया, लेवांडोव्स्की मतलब देखो बोलना तो नहीं चाहिए, लेवांडोव्स्की मैंने बोला है कि 21st सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट स्कोरर है, लुइस सुआरेज़ या बेंजेमा के साथ, मतलब अगर किसी का नाम जुड़े तो दैट इज रोनाल्ड लेवांडोव्स्की, राइट। बट कल का मैं जो मैच देखा एंड लेवांडोव्स्की मतलब क्या बोले कि कल अगर फेरान टोरेस खेलता ना वहाँ उस पोजिशन में, आई थिंक 100% ज़्यादा क्या बोलते हैं बेटर होता बार्सा के लिए। जब फेरान टोरेस आया फील्ड पे उसके ऊपर जो क्रिएटिविटी दिखा एंड थर्ड में जो थ्रेट थोड़ा बहुत क्रिएट हो रहे थे, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की मतलब पूरे मैच में था ही नहीं, अगर लेवांडोव्स्की से प्रेस नहीं होता, सेम एज जाओ फिलिक्स से भी प्रेस नहीं होता, जाओ फिलिक्स को पता है क्रिएटिविटी या फिर गोल स्कोर करता है बंदा, असिस्ट स्कोर करता है, ठीक है, बट ऑफ द बॉल जाओ फिलिक्स डेट, रफीनिया डेट एंड लेवांडोव्स्की डेट। ये जाओ फिलिक्स, रफीनिया, ये लेवांडोव्स्की जो फॉरवर्ड के 3 प्लेयर थे उनके साथ मिडफील्ड का कोई लिंकअप प्ले बन ही नहीं रहा था, पूरे मैचेस बार्सा क्लूलेस था। ऑल दो एक चीज़ है, बार्सा का एक्सजी कल ज़्यादा था,
3.5 समथिंग था। और एक चीज और भी है, बार्सा का जो मेन लिंकअप प्ले बोलो या फिर प्रेस बोलो, ये तो नेगेटिविटी है जो फॉरवर्ड लाइन में है, लेकिन लेवांडोव्स्की या फिर जाओ फेलिक्स का एक और भी प्रॉब्लम है जो चलो फाइन आप प्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको तो फिनिश आना चाहिए, क्योंकि बार्सा ने कल पूरे मैच में चांसेस क्रिएट भी किए। आप अगर एक गोल करने में आपको पास से 6 चांस क्रिएट करना पड़ रहा है, तब तो आप रहने दो भाई, क्योंकि बड़े टीम के खिलाफ इतने चांस कौन क्रिएट करेगा? आपके पास जावी इनिएस्टा था, बुस्केट्स है क्या? आपके पास लियोनेल मेसी है क्या? नहीं। आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, ऑल दो यहाँ पर वेरी टैलेंटेड प्लेयर, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर है, मतलब ये तो भाई 100 साल में एक बंदा आता है, मतलब जावी इनिएस्टा था, बुस्केट्स, मेसी बोलो, मतलब 50 साल में एक पैदा होता है, ऐसा तो प्लेयर आपके पास नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको 2-3 चांस में तो 1-2 चांसेस बड़ी करना पड़ेगा। लेवांडोव्स्की है, आप लेवांडोव्स्की हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो एक्सपेक्टेशन होगा, क्योंकि देखो बहुत मैच हो गए, आपको 2-3 मैच 4-5 मैच 6-7 मैच छोड़ सकते हैं, लेकिन एज अ रॉबर्ट लेवांडोव्स्की आपको इतना सारा मैच में आपको चांस नहीं मिलेगा। आई थिंक जावी को इस बार थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए, क्योंकि इतने सारे मैच अगर बैक टू बैक कॉस्ट करेगा, देखो अभी प्रॉब्लम क्या है कि बार्सा इस बार यूसीएल तो नहीं जीतेगा, मतलब बी फ्रैंक राइट, अब लालीगा अगर ना जीते, एंड कहीं ना कहीं लालीगा में इस बार उतना कंपटीशन भी था नहीं, मतलब जब हम सीजन शुरू किए थे सारे लोगों को पता था रियल मद्रिद इज नॉट द टीम, क्योंकि पहले से उनके पास प्लेयर नहीं था, उसके बाद इधर मिलितो का चोट लग गया, इसके बाद इंजरी रिपोर्ट थियो कोर्तुआ का आया, उसके बाद विनीसियस भी अप एंड डाउन था, ना हमारे पास नंबर 9 नहीं था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था या फिर बहुत सारे लोगों को लगा था कि इट्स अ इजी बैटल फॉर लालीगा एंड फॉर आपका बार्सिलोना, लेकिन उसके बाद जो कमल ने साना स्टार्ट हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जावी को लेना पड़ेगा। अगर आप अभी भी रोमल डर्स के ऊपर आप दाव खेल रहे हो तो थोड़ा भैया सोच के, क्योंकि ये सीजन पूरा क्रम्बल हो सकता है। दैट इज द फॉरवर्ड लाइन। बात करें मिडफील्ड, अच्छा था पेड्री डियोंग, गावी सॉरी पेड्री डियोंग और गुंडोगन तीनों ही अच्छे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना मिडफील्ड में सारे वन डायमेंशन प्लेयर है, तीनों के तीनों का स्किल एक ही जैसा है, मतलब क्या है कि तीनों के तीनों बहुत शरीफ लड़के, पासिंग रेंज बहुत बढ़िया है, पासर बहुत अच्छे, बॉल होल्ड भी कर पाते हैं, मतलब शरीफ बंदे, क्योंकि प्रॉब्लम है ये कि मिडफील्ड में अगर आपके पास वैरायटी ना हो ना, तो मिडफील्ड दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन मैदान में इफेक्टिव नहीं होता। देखो आपके पास डिस्ट्रप्टर चाहिए होता है, अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है ना, तो ये शरीफ लोगों से ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते उन टीम के खिलाफ जो विद द बॉल बहुत कंफर्टेबल है, जो उनका जो लेफ्ट बैक था मिगुएल, वो बंदा लेफ्ट बैक से एरिया से बॉल कैरी करके मिडफील्ड पे आके बंदा शॉट ले लिया। अब क्यों लिया? क्योंकि कोई डिस्ट्रप्टर नहीं है, क्योंकि कोई हरामी बंदा नहीं है, वहाँ पे गाबी होता तो उसको फेंक देता, मतलब अगर उसको पकड़ भी नहीं पता टैकल वैकल मार के येलो कार्ड ले लेता राइट, लेकिन वहाँ पे गुंडोगन ये नहीं कर सकता, पेड्री छोड़ो ही मत, मतलब फ्रेंकी डी यंग नहीं कर सकता, तो कौन करेगा वो चीज़, कौन करेगा? अगर वो डिस्ट्रप्टर वाला चीज़ और वो डिस्ट्रॉय वाला चीज़, अगर वो टैकल करने वाला वो हरामीपन दिखाने वाला चीज़ अगर कोई ना हो मिडफील्ड में, तो भाई मिडफील्ड में बहुत वाइड डायमेंशन मैच हो जाता है, और इसीलिए बार्सा गोल कंसीड भी कर रहा है। क्यों? मिडफील्ड में कोई रोकने वाला प्लेयर नहीं है, लाइक कैशिमेरो, लाइक अब बोलो गाबी, थोड़ा पॉइंट पे गाबी करता ही वो चीज़, तो ये चीज़ है। अब देखते हैं, नंबर 6 एक होना चाहिए था, ओरियल रोमेओ को खिलाना चाहिए था, ओरियल रोमेओ को भी कहीं ना कहीं फॉर्म अप एंड डाउन है, जावी उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा है, तो ये भी एक पॉइंट है। अगर मैं बैकलाइन की बात करूँ, आराहो और कुंडे का काफ़ी एवरेज गेम था भाई, बैकलाइन को तो कल जिन्होंने खा लिया, जिंदा चबा के फ्राई करके खा लिया राइट। कुंडे का जो हाइट है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, एरियल बॉल नहीं जीत रहा था, एंड आराहो भी थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा बहुत कंसर्निंग लगा, क्योंकि दोनों प्लेयर कुंडे और आराहो इंजरी से वापस आ रहे थे और वो लोग 100% उतना मैदान में नहीं दे रहे थे। दैट इज द प्रॉब्लम कि बैक टू बैक अगर एक प्लेयर को इंजरी होता है ना, तो वो ना 100% टैकल में जाता नहीं, वो थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है कि भाई मेरा तो फिजिकलिटी थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी तो मैं इंजरी से आया हूं, तो थोड़ा बहुत मैं क्या बोलते प्रोटेक्ट करके चलता हूं। इसके लिए प्रॉब्लम होता है कि फिटनेस क्यों जरूरी है राइट, स्किल तो ज़रूरी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फुटबॉलर ऐसे होते हैं बहुत स्किलफुल होते हैं, लेकिन इंजरी का रिकॉर्ड उनका बहुत प्रॉब्लम होता है, तो बैक टू बैक अगर आपको इंजरी मिल रहा है हर एक साल या हर एक 6 महीने में आपको इंजरी मिल रहा है, तो आपके ना बैक माइंड पे वो डिफेंसिव एक चीज़ क्रिएट हो जाता है, जो कल कुंडे और आराहो से मुझे मिला, क्योंकि देखो आराहो इज अ एनिमल राइट, आराहो अपने जान झोंकता है फील्ड में, अपनी अपना बॉडी फेंकता है, लेकिन कल थोड़ा आराहो डिफेंसिव लगा, वो टैकल में 100% नहीं दे रहा था, और इसके लिए गोल भी आया, पूरा गोलकीपर से एक पास आया, आराहो कंट्रोल नहीं कर पाया, वहाँ से कुंडे को करके गोल हो गया, मतलब एक पास में गोल, मतलब ये तो भाई वीडियो गेम में होता है, अब वीडियो गेम में हो रहा है एक मतलब क्या, मतलब अब फिजिकली बुली हो रहे हो, कुंडे और आराहो अगर इतना फिजिकली बुली होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर है बहुत सारे मैच में बार्सा को बचाए,
एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पोर्टो का मैच, जब पोर्टो में गए थे, पोर्टो ने बहुत चांसेस क्रिएट किए थे लेकिन ये आराहो कुंडे ने बचाए थे। अब ये भी अगर थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट हो गया तो भाई भगवान भी नहीं बचा सकता बार्सिलोना को, राइट। बहुत ह्यूमिलेशन अभी बाकी है, जो इतने सारे अटैकिंग टीम है जो विद द बॉल अच्छा खेलते हैं उनके साथ तो बार्सिलोना भाई बहुत स्ट्रगल करेगा, राइट। एंड इस नेगेटिव चीज में से एक पॉजिटिव बात है कि कल एक्सजी अच्छा था, 3.74 का एक्सजी था उनका, 2.45 का एक्सजी था, 31 शॉट मारे बार्सा ने लेकिन फिनिश नहीं हुआ। मैंने बताया फिनिशिंग का जो प्रॉब्लम है, लेवांडोव्स्की बोलो, जाओ फ्रिक्स बोलिए, रफीना बोलो, फिनिशिंग का प्रॉब्लम अभी तो मैटर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फेरान टोरेस को स्टार्ट देना चाहिए था, एंड फेरान टोरेस का भी है फिनिशिंग का, फेरान टोरेस का भी प्रॉब्लम है। और एक और भी चीज है, मतलब कल दिमाग घूम गया, मतलब आप एरियल ड्यूल नहीं जीत रहे हो, मतलब फिजिकली आप बुली हो रहे हो, उसके बाद जाबी, पता नहीं, देखो जाबी के पास तो फुटबॉलिंग नॉलेज मेरे से ज्यादा है, मतलब वो क्रिश्चियनसन को सब करके वहां पे बाल्डे को लेके आया, मेरा तो दिमाग घूम गया। अरे भाई क्रिश्चियनसन आपके मतलब स्क्वाड का, आपके प्लेइंग 11 का सबसे लंबा खिलाड़ी है, राइट, और एरियल ड्यूल आप जीत नहीं पा रहे हो, आराहो और कुंडे स्ट्रगल कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो भाई क्रिश्चियनसन को सबसे लंबा खिलाड़ी को निकाल के आप वहाँ पे बाल्डे को खिला रहे हो, बाल्डे कल खेल रहा था एज अ सेंटर बैक, मतलब एज अ सब, मतलब ये तो हद ही हो गया। उसके बाद और भी दो गोल पर गए, 4-2 का ह्यूमिलेशन हो गया, फिर से होम पे आके जिरोना अगर आपका 4-2 हरा रहा है तो भाई थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा। एंड देखते हैं जाबी क्या करेगा भाई, पता नहीं, मतलब जाबी के ऊपर भी थोड़ा बहुत, मतलब देखो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, जाबी इज योर मैन, इस बार इस सीजन में जाबी अच्छा करेगा, ये बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन था और बहुत सारे पॉजिटिव चीज भी हुए, लेकिन थोड़ा बहुत गंदा डिसीजन हो रहा है कभी कभी, और ये सब गंदा डिसीजन क्या करता है ना, मोमेंटम खराब कर देता है। और देखो स्पोर्ट्स इज अ मोमेंटम गेम, एक बार मोमेंटम खराब हो गया ना तो उसके बाद कम बैक करने में, वो मोमेंटम गेन करने में टाइम लग जाता है। तो देखना पड़ेगा, अभी बार्सा फोर्थ पोजिशन पर आ गया एंड जिरोना तो एक नंबर पोजिशन पर, क्या करना पड़ेगा पता नहीं। और ये भी चीज़ है, अगर आप लालीगा का अगर प्रमोशन की बात करो या लालीगा का पॉपुलरिटी बात करो, थोड़ा बहुत कम हो गया है क्योंकि लालीगा में भी वो मेसी रोनाल्डो का एरा खत्म हो चुका है, वो लालीगा में वो एल क्लासिको का एरा वो भी खत्म हो चुका है, उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा अभी एल क्लासिको। तो अगर जिरोना इस बार लालीगा जीत जाए तो लालीगा के लिए ऐसा कंपनी वाइज ऐसा प्रोडक्शन वाइज बहुत अच्छा होगा, उनको ज़्यादा नेम फेम मिलेगा, ज़्यादा पैसा वैसा का छापने का मौका मिलेगा। तो लालीगा के जो प्रेसिडेंट वगैरह होंगे वो तो चाहेंगे जिरोना आगे बढ़े, एंड जिरोना भी एक नंबर पोजीशन पे है एंड रियल मैड्रिड का थोड़ा बहुत फायदा हुआ क्योंकि जिरोना एट द एंड ऑफ द सीजन अगर क्रम्बल करता है तो रियल में दो हरकम कर सकता है जिरोना से। अब देखना पड़ेगा, अब इतना कुछ बताया कि जिरोना फिर से मैड्रिड को हरा दिया तो जिरोना कप लेके चला जाएगा, देखना पड़ेगा। अभी ये है अभी लालीगा का टेबल, आप देख ही सकते हो। तो उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे कल का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, मतलब एज अ फुटबॉल वाइज, दैट इज टॉटनम वर्सेस आपका न्यूकासल। टॉटनम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि आपको पता है बैक टू बैक 4 से 5 मैच में क्रम्बल करके आ रहा है टॉटनम, और टॉटनम को एक स्टेटमेंट देना जरूरी था। एक पॉजिटिव पॉइंट था, टॉटनम के जो दो मिडफील्डर थे वो वापस आ गए, बिशुमा और आपके सार जो पिछले वाला मिडफील्डर थे, क्योंकि पोस्टेकोग्लू ने बोल ही दिया भाई मैं तो अप्रोच चेंज नहीं करूंगा, मैं तो डिफेंसिव खिलाऊंगा नहीं, मैं तो बोलूंगा मारो, मैं तो अटैकिंग फुटबॉल खिलाऊंगा। और बहुत अच्छा लगा कल का जो टॉटनम का मैंने मैच देखा ना, मेरे को लग रहा था मैं लिवरपूल का मैच देख रहा हूँ। 2-3 साल पहले जो लिवरपूल का मैच होता ना, अभी भी जो लिवरपूल का मैच होता है, आर्नोल्ड, आपके माने, साला, आपके सेंटर फॉरवर्ड फिर्मिनो, जो ऐसा अटैकिंग मैच होता था उसी तरह से लगा कि टॉटनम उस तरीके से मैच खेल रहा है, राइट। कल नंबर 9 पे फाइनली रिचर्लसन वापस आया, रिचर्लसन ने कल 2 गोल भी किए एंड टॉटनम के शर्ट में शायद उसका पहला पैर से गोल था, पिछला 1 से 2 गोल था वो हेड से था शायद, राइट। तो गोल भी दिए, बंदा कॉन्फिडेंस गेन किया शायद। एंड दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखो अच्छा प्लेयर और महान प्लेयर में डिफरेंस ये होता है कि अच्छा प्लेयर तो अच्छा खेलता है, एंड महान प्लेयर जो ग्रेट प्लेयर होते हैं वो तब अच्छा खेलते हैं जब अपने टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। एंड मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को जिसका नाम है सॉन यूनमिन को फुटबॉल हिस्ट्री कितना देर तक याद रखेगा, आई डोंट नो, बट जब टीम को सबसे इम्पोर्टेंट कल ज़्यादा ज़रूरत था तब इस बंदे ने कल मैजिक देखा भाई। न्यूकासल के जो डिफेंडर है जिंदा खा गया, सच बता रहा हूँ, कल सॉन अनस्टॉपेबल था। उसका ड्रिबल बोलो, उसका स्पीड बोलो, उसका मतलब रन पिक करना बोलो, या फिर एनल थर्ड ने बम्बार्ड बोलो, कुछ भी, मतलब सॉन को मतलब न्यूकासल के हक में नहीं था, न्यूकासल सरेंडर था यार। 10 से 15 मिनट के अंदर न्यूकासल के जो डिफेंडर तो सरेंडर कर चुका था, भाई ले लो, लूट लो, हमें लूट लो। और सोन ने बोला ठीक है लूटेंगे, बहुत तगड़ा तरीके से लूटेंगे। पहला गोल आया
सोन कैसी उडोगी का गोल है, दूसरा गोल है रिचर्डसन का गोल है, उसके बाद कहने की फिर से रिचर्डसन का गोल है, उसके बाद फाइनल पेनल्टी सोन का है एंड 4-1 से टॉटनहम ने मैच जीत लिया। और बहुत एक स्टेटमेंट और एक पॉजिटिव कहने की कमबैक की जरूरत था टॉटनहम के लिए, क्योंकि पोस्टेकोग्लू के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर बन रहा था। 4 से 5 मैच आप बैक टू बैक हार रहे हो, होम पे आप 3 मैच लगातार हार रहे हो, तो थोड़ा बहुत मतलब कहने की एक प्रेशर बन रहा था, एक नेगेटिविटी बन रहा था, तो कहना कि एक विन जरूरी था। एंड एक बड़े टीम के अगर साथ आप विन करते हो, क्योंकि न्यूकासल देखो वन ऑफ द बिगेस्ट टीम, मतलब अभी 2 साल के अंदर न्यूकासल बड़े टीम में शामिल हो चुका है, अभी न्यूकासल को हरा रहे हो तो कहना कि एक बड़ा स्टेटमेंट तो गारंटी है, राइट। अभी अगर मेडिसन को या फिर मिकी वैन डे विन को छोड़ दे, 2 प्लेयर को अगर छोड़ दे, बाकी के प्लेयर फिर से वापस आ चुके टॉटनहम के। मैं जो बताया था आपको कि आपको स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करना पड़ेगा जब आपके पास प्लेयर नहीं है, अगर प्लेयर धीरे धीरे जब वापस आएगा फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब सिर्फ मेडिसन बाकी है, अब मेडिसन नंबर 10 में खेलता है, वहां पे अभी कुकुलोजिस्की को खिला रहा है और पीछे आपका मिकी वैन डे विन नहीं है, वहां पे बेन डेविस को खिला रहा है। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, देखो मुझे पर्सनली ना साउथ अमेरिका के प्लेयर को उतना पसंद नहीं आता है, राइट, क्योंकि जो ब्राजील होते, ब्राजील अर्जेंटीना के जो जितने सारे प्लेयर होते, मुझे लगता है साले बेवकूफ होते ज्यादा, मतलब स्मार्ट नहीं होते। वो हमारा क्रिस्टियन रोमेरो कल फालतू में येलो कार्ड ले लिया और कल उसको रेड कार्ड मिलता, राइट। मतलब आप देख रहे हो 5 मैच से आपका टीम जीत नहीं पा रहा है, उसके बाद फाइनली एक आपने एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया और वो कल नौटंकी कर रहा था, फिर से बंदे को अगर रेड कार्ड मिल जाता ना पोस्टेकोग्लू का और भी मतलब दिमाग खराब होता है। एक सेंटर बैक पहले से नहीं है, मिकी वैन डे विन नहीं, उसके बाद अगर क्रिस्टियन रोमेरो को रेड कार्ड मिल जाता तो भाई और भी टेंशन है, तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ। आपका टीम में क्या आपका पोजीशन है, आपका टीम का क्या पोजीशन है, मतलब आपके कोच आपको क्या बोल रहे, तो थोड़ा बहुत दिमाग ना यूरोपियन प्लेयर में होते, ये साउथ अमेरिकन प्लेयर थोड़ा बेवकूफ़ होते हैं, मुझे लगता है कि टैलेंटेड होते कि पता नहीं, लेकिन दिमाग से थोड़ा अनपढ़ होते, राइट। तो ये है चीज़ कि बट कल एक मस्ट विन था टॉटनहम के लिए, टॉटनहम ने वो कैरेक्टर दिखा, सोन ने कैरेक्टर दिखा, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड रिचर्डसन का पहला गोल है, बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट आया। एंड न्यूकासल तो न्यूकासल बहुत अच्छा टीम था, लेकिन न्यूकासल कल पूरे मैच में था ही नहीं, जोलिन टेन का गोल आया था लास्ट में, लेकिन इट्स टू लेट। एंड अभी टॉटनहम 5th पोजीशन पे 30 पॉइंट के साथ एंड न्यूकासल अभी 7th पोजीशन पे 26 पॉइंट के साथ। अभी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, पर टॉप 4 का तो एक अलग लड़ाई चल रहा है, लेकिन नीचे वाले टॉप 4 का भी एक अलग लड़ाई चल रहा है। अब न्यूकासल 26 पॉइंट पे, मैनचेस्टर 27 पॉइंट पे एंड टॉटनहम 30 पॉइंट पे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत सारे प्लेयर वापस आएंगे, कैशमीरो वापस आएगा, उसके बाद आपके लिसांड्रो मार्टिनेज वापस आएगा, वरान वापस आएगा, उसके बाद आपके जो कोबी मैन, अहमद दियोल ये भी वापस आएंगे, थोड़ा वहां पर भी स्ट्रांग होंगे। एंड टॉटनहम का जेम्स मेडिसन वापस आएगा, वहां पर भी स्ट्रांग होंगे, और दिसंबर आते आते न्यूकासल का भी बहुत सारे प्लेयर वापस आ जाएंगे। तो कहने की थोड़ा मामला मतलब पेचीदा होते हुए, ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते हुए, इसलिए द प्रीमियर लीग इज प्रीमियर लीग, तो कहने की मसाला हर टाइम प्रीमियर लीग में आपका होता ही है, राइट। ये है आपका टॉटनहम का मैच, और तीसरे मैच के ऊपर बात करेंगे, दैट इज बोलने के लिए कुछ है नहीं, दैट इज मैनचेस्टर सिटी का मैच। मैनचेस्टर सिटी के ऊपर बहुत सारे लोग डाउट कुछ कर रहे थे एंड लूटॉन हाफ टाइम के पहले 1-0 से लीड भी कर रहा था, मेरा भी हवा टाइट था, सारे लोगों का हवा टाइट था, लूटॉन अगर हरा देता सिटी को तो भाई ये तो भाई पृथ्वी खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन बर्नार्डो सिल्वा ने क्या, चलो हटाओ यार, बहुत टेंशन हो गया, बहुत नौटंकी हो गया, चलो गोल देते हैं, उसका जो लेफ्ट फीट का जो मैजिक है बर्नार्डो सिल्वा ने दिखाया, उसके बाद 1-1 हो गया। उसके बाद जैक ग्लिश ने 3 मिनट में 2 गोल फटाफट करके 2-1 का लीड ले लिया और फाइनली सिटी अभी 4th पोजीशन में। टीम पे अभी मैच में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, हालांकि भी कल नहीं था, कल अल्वारेज नंबर 9 खेल रहा था, तो कहना कि हालांकि भी नहीं है आपके पास, एनकेडी भी नहीं है, कल रॉड्री था, रॉड्री आया तो कहना कि मिडफील्ड में जो वो कंपोजर दिखा तो बट अभी तो फिर से वापस दिखा। एंड अभी मैनचेस्टर सिटी 4th पोजीशन पे, लेकिन मैनचेस्टर सिटी को एक अलग रन ऑफ फॉर्म में जाना पड़ेगा आपको अगर प्रीमियर लीग जीतना है, क्योंकि लिवरपूल अभी वो फॉर्म में है। अगर 4th मैच की बात बोले इसमें भी कुछ बोलने की बात नहीं है, मैं चेल्सी के ऊपर एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। चीज़ एक ही यही है कि चेल्सी फिर से हार गया है और रिव्यू कुछ नहीं है, बहुत फालतू टीम है चेल्सी, चेल्सी के प्लेयर के अंदर इंटेंशन नहीं है, कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, सारे के सारे लड़के हैं, कोई मतलब मैच्योर प्लेयर नहीं है, एक ही बंदा खेल रहा था मैच जीतने के लिए, दैट इज कोल पाल्मर, एंड बाकी के प्लेयर इधर उधर भाग रहे थे, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बॉल लेके क्या करना है, बॉल अगर नहीं है तो क्या करना है, किसी को कुछ पता नहीं है। मैं अच्छे से एनालिसिस करके चेल्सी के ऊपर वीडियो लाऊंगा, क्योंकि देखो बायर्न म्यूनिख खराब खेल रहा है, अभी वो बायर्न म्यूनिख नहीं है। अब अगर यूपीएल के बाद अब मेरे को बोलोगे ब्राइटन भी उतना अच्छा नहीं खेल रहा है, मैनचेस्टर तो उतना अच्छा नहीं खेल रहा है, टॉटनहम भी अच्छा स्टार्ट किया था उसके बाद क्रम्बल कर गया है, राइट। लालिका का बात बोलो बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है, राइट। रियल मैड्रिड भी उसी वो फॉर्म में नहीं है, मतलब रियल मैड्रिड है, मतलब रियल मैड्रिड क्रम्बल करेगा, तो सारे लोगों के
फॉर्म अप डाउन है, लेकिन चेल्सी का फॉर्म मतलब 12th पोजीशन पे। अब 12th पोजीशन खराब नहीं है, 12th पोजीशन मतलब भाई अब गए आप, अब सोचो आप क्या कर रहे हो, राइट? अब मतलब थोड़ा ध्यान से सोचो, 12 मतलब 12 भी नहीं, अगर एवर्टन का 10 पॉइंट डिडक्शन नहीं होता तो अब 13 या 14 पोजीशन पे रहता चेल्सी। तो चेल्सी का कुछ हालत कुछ मतलब खराब नहीं, मतलब हो गया है, एक अलग यूनिवर्स पे चला गया चेल्सी, राइट? तो उसके ऊपर मैं अच्छे से मतलब रिसर्च करके मैं डिस्कस करूंगा, एक अलग वीडियो लाऊंगा। मतलब चेल्सी इतना कुछ कर गया है, उसके लिए मेरे को अलग वीडियो लेके आना पड़ेगा, राइट? और यह चीज है, अभी चेल्सी 12 पोजीशन पर आपको बताइए, एंड देखना पड़ेगा कि चेल्सी यहां से कैसे कमबैक करता है, पोचेटिनो क्या करता है, पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब आई डोंट नो। अगर आप चेल्सी फैन हो तो भाई भगवान ही बचाए आपको। एंड दिस इज आवर वीडियो, और ये 3-4 मैच के ऊपर बातचीत करना था, और आने वाले हफ्ते में हमारे यूसीएल भी शुरू होंगे। यूसीएल में काफी इंपॉर्टेंट इतने सारे मैचेस नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मैचेस क्वालिफाइड ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? मैनचेस्टर यूनाइटेड बायर्न म्यूनिख का एक मैच है, मतलब उसमें भी उतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी बाहर हो चुका है, एंड बायर्न म्यूनिख भी क्वालिफाई कर चुका है एक नंबर से। तो एंड दिस इज आवर वीडियो, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।